नमस्ते, सलाम। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले बस एक बात बताना चाहती हूँ सबको। आप में से काफी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे ईमेल भी किया है और जो कमेंट्स में भी बार बार मुझसे एक ही बात पूछ रहे हैं और हो सकता है वो काफी नाराज भी हो। मुझे कह रहे हैं कि आपने आ ओ ओ द जु दे ऑ इग्रेक या क कैल के ऊपर वीडियोस आप कब बनाएंगे, मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ। तो मैं आप सबको यही बताना चाह रही थी कि इन सब के ऊपर वीडियोस बनाने का मैंने अपने प्लानिंग में लिखा हुआ है। प्रॉब्लम है कि अगर मैं अभी इनके ऊपर वीडियोस बना दूंगी हो सकता है आपको समझ आ जाए, क्योंकि आपका फ्रेंच का लेवल थोड़ा एडवांस लेवल है। लेकिन काफी ऐसे लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं और जिन लोगों को भी सेंटेंसेस बनाने भी नहीं आते। अगर आपको सेंटेंसेस बनाने नहीं आते और आप सीधा ग्रामर के जो सेंसिबल पॉइंट्स हैं इनको टच करेंगे तो आपको फ्रेंच सीखनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन अगर ऑर्डर में समझाई जाए तो समझ आ जाएंगी। मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाने का सोच रखा है तो नाराज मत हो, ये थोड़ा सा इंतजार करिए क्योंकि मैं एक ऑर्डर में अपनी वीडियोस बना रही हूँ ताकि बेसिक से शुरू हो और आराम आराम से कॉम्प्लिकेटेड होता रहे, ताकि हर किसी को समझ आ जाए जिसको फ्रेंच नहीं आती, जो डेब्यू तो हमारे जो शुरुआत कर रहे हैं और जिसको आती है उसके लिए भी क्लियर हो जाए। तो यही मैं आप सबको बताना चाहती थी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको वर्ब बताए थे, मैंने आपको बताया था तीन ग्रुप के वर्ब होते हैं। प्रीमियर ग्रुप के वर्ब होते हैं जो ए आर से खत्म होते हैं, दूसरे ग्रुप के वर्ब होते हैं जो ई आर से खत्म होते हैं, और थर्ड ग्रुप के वर्ब होते हैं जो ई आर से भी खत्म हो सकते हैं, ओ ई आर से भी खत्म हो सकते हैं या एफ ए से भी खत्म हो सकते हैं। और मैंने इनके एग्जाम्पल्स भी आपको लास्ट क्लास में दिए थे। मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई थी कि अगर आप कोई वर्ब इन्फिनिटिव उसकी बेसिक फॉर्म में लेके उसके एंड में ईसॉ लगा देंगे तो वो वर्ब दूसरे ग्रुप का हो जाएगा, और अगर ईसॉ लगाने के बाद आपको सुनने में वो ठीक ठीक नहीं लग रहा तो वो वर्ब दूसरे ग्रुप का नहीं है। तो इसका मतलब ईसॉ उसके साथ सूट नहीं होता, जचता नहीं है, तो वो थर्ड ग्रुप में आएगा। तो मैंने आपको बताया था ईसॉ लगा के अगर सुनने में सही लगता है तो वर्ब दूसरे ग्रुप का है, और अगर नहीं लगता तो वर्ब थ्वाजेम ग्रुप का है। तो इसके बेस पे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने आपको कुछ वर्ब दिए थे और मैंने आपको कहा था कि आप मुझे बताएं कि ये फॉर्मिये ग्रुप दूजेम या थ्वाजेम ग्रुप का है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हम वर्ब को टच कर रहे हैं। इसके बाद ये वर्ब एक बार आपको समझ आ गए तो हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे ही आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे उन सेंटेंसेस को फिर थोड़ा मुश्किल करके बनाना पड़ेगा। पहले बेसिक सिंपल सेंटेंस छोटे छोटे, फिर उसके बाद थोड़े बड़े सेंटेंसेस, और फिर उसके बाद जो ग्रामर का पॉइंट है जो मैंने शुरुआत में आपको बताया है आ ओ जू द वो उसमें मैं इंट्रोड्यूस करूंगी। तो अगर आपको वर्ब का सिस्टम अभी तक नहीं समझ आया जो मैंने पिछली क्लास में बताया है तो प्लीज दोबारा से वो वीडियो सुनिए। तो जो होमवर्क मैंने दिया था आज मैं उसके ऊपर बताने जा रही हूँ। होमवर्क में मैंने कुछ वर्ब दिए थे और आपने मुझे ईमेल्स की है, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं यूट्यूब पे, तो उन सबके जवाब लेके मैंने ये स्लाइड बनाई है। तो मैंने आपसे पूछा था कौन से ग्रुप का वर्ब कौन सा है। पहला वर्ब मैंने आपसे बताया था जो लिखा हुआ था वो था डेफिनिर। अब डेफिनिर हमें ये पता है कि प्रीमियर ग्रुप का हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रीमियर ग्रुप के वर्ब ए आर से खत्म होते हैं, तो या ये दूसरा ग्रुप है या तीसरा ग्रुप है। तो मैंने आपको बताया था अगर ईसॉ लगा देंगे सुनने में ठीक लगे तो दूसरेम है, और अगर ईसॉ लगाने के बाद सुनने में ठीक ना लगे तो फाजियम है। डेफिनिर के पीछे अगर ईसॉ लगाया जाए डेफिनिसॉ ये बिल्कुल सही है, तो वर्ब दूसरेम ग्रुप का। तो जिन्होंने मुझे जवाब भेजे हैं सबके जवाब बिल्कुल ठीक है। सॉर्चीर अगर इसके पीछे सॉ लगा दिया जाए ईसॉ सॉर्चीसॉ, सॉर्चीसॉ वर्ब नहीं है, सुनने में ठीक नहीं लगता। रो सॉर्चीसॉ एक वर्ड है फ्रेंच में लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, वो वर्ब नहीं है। तो सॉर्चीसॉ मुझे कुछ लोगों ने दूसरेम लिखा है, किसी ने थ्वाजेम लिखा है, जिसने थ्वाजेम लिखा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद है कॉन्वर्टिर, कॉन्वर्टिसॉ बिल्कुल सही है, तो दूसरेम ग्रुप सबने सही जवाब लिखा था। सावोयर, अब सावोयर्सॉ फ्रेंच में नहीं आता, तो जिन्होंने मुझे दूसरेम लिख के भेजा था उनका जवाब गलत है, और जिन्होंने थ्वाजेम लिखा था उनका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद मैथ, अब हम आप समझ गए होंगे कि मैथ वर्ब ना प्रीमियर में आता है ना दूसरे में आता है, मैथ हमें ऑटोमेटिकली पता है कि थ्वाजेम में आता है,
तो कुछ लोगों ने मुझे फोमिया ग्रुप लिख के भेजा था, तो फोमिया ग्रुप इम्पॉसिबल है। और उसके बाद टेनियर, टेनियर ग्रुप, जिन्होंने भी मुझे जवाब दिया सबने मुझे यही लिखा है कि दूसरे ग्रुप में है। दूसरे ग्रुप पे अगर आप इसको सुने, टेनिसों से पा फ्रांसे, ये फ्रेंच नहीं है, तो दूसरे ग्रुप का हो ही नहीं सकता ये नाम। तो रेड में मैंने लिखा है थ्वाजेन ग्रुप, ये किसी ने भी सही जवाब इसका नहीं ढूंढा था। काफी लोगों को डाउट था, लेकिन ट्वेनिसो फ्रेंच में नहीं बोला जाता, ट्वेनिया थ्वाजेन ग्रुप का वर्ब है। अब एक बार आप ये ग्रुप समझ गए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जिस ग्रुप का वर्ब है उसको कोंजुगे कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, जितने भी प्रोमियर ग्रुप के वर्ब है जो ए एर से खत्म होते हैं, उनको कोंजुगे करने के लिए ये आपको याद रखना है, ए एस, ए ओ एन एस, ए जेड, ए एन टे। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल लेते हैं जुए, ये वर्ब हमें कोई शक नहीं है प्रोमियर ग्रुप का है क्योंकि ए एर से खत्म होता है। अब इसको कैसे कोंजुगे करें? Je joue, मैं खेल रही हूँ। Je joue, इसका एंड जो है ए ए। Tu joues, ES, ES। Il, elle joue, E, E। कैसे किया मैंने? जो ए एर था, जो हमें बताता है कि ये प्रोमियर ग्रुप का वर्ब है, उस ए एर को हटा के मैंने हर बंदे पे ये लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद नू जुओ, हम खेल रहे हैं, एर हटा के उसकी जगह पे ओ एन एस लगा दिया। वो जुए, आप खेल रहे हैं, एर हटा के उसकी जगह पे ए जेड लगा दिया क्योंकि ये ए जेड यहाँ पे लिखा हुआ है। और इल एल जू, एर हटा के मैंने ए एन टे लगा दिया। तो जितने भी प्रोमियर ग्रुप के वर्ब हैं वो ऐसे कॉन्जुगे होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन अभी मैं उनके डिटेल में नहीं जाना चाह रही, वरना आपके लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करें तो आसान रहेगा। उसके बाद दूसरे ग्रुप के वर्ब हम समझ गए, वो वर्ब है जो ई एर वाले हैं और जिनको सुन के अगर ईसो आइन में लगता है, उनकी कोंजुगेशन कैसे करनी है। ये है ई एस, ई एस, ई टे, ई डज एस ओ एन एस, ई डज एस ए जेड, ई डज एस ए एन टे। एग्जाम्पल फिनिर, ये दूसरे ग्रुप का वर्ब है, अगर फिनिसों बोले तो बिल्कुल सही लगता है सुनने में, तो ये दूसरे ग्रुप का वर्ब है, ये गलती से भी थर्ड ग्रुप में नहीं आता। इसका ई ए हटा के अगर हम उसकी जगह पे ई एस लगा दें तो बन जाएगा जे फिनी, मेरा खत्म काम, मेरा काम, मेरा खत्म, जे फिनी। काम के लिए ज्यादातर फिनी यूज होता है, तो मेरा काम खत्म, जे फिनी, तुम्हारा काम खत्म। इल एल फिनी, ई ए हटा के ई टे लगा दिया मैंने। नू फिनिसों, ई है ई एर हटा के मैंने ई डज एस ओ एन एस लगा दिया। वू फिनिसे, इल एल फिनिस। दोबारा से बता रही हूँ, ये जो इसकी कोंजुगेशन है ये अच्छे तरीके से याद कर ले, क्योंकि ये जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये हमारे सेंटेंसेस की शुरुआत होगी, जो आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हमने बनाने सीखने हैं। तो अगर आपका शुरुआत सही होगा तो आप आगे सेंटेंसेस सही तरीके से बना पाएंगे। अब आते हैं थ्वाजेन ग्रुप में। थ्वाजेन ग्रुप में हमारे पास वर्ब वो है जो ई एर से खत्म होते हैं, जो ओ ई एर से खत्म होते हैं, या जो एर ए से भी खत्म हो सकते हैं। तो इनकी जो टर्मिनेशन है, मतलब जो आखिरी पीछे लिखा जाता है, वो काफी तरीके के हैं क्योंकि काफी एक्सेप्शन हैं इस थ्वाजेन ग्रुप में। मैं आपको बेस अभी बता रही हूँ। इक्स, इक्स, टे, ओ एन एस, ए जेड, ए एन टे। वर्ब लेते हैं वुलवा, वुलर मतलब चाहना, मैं चाहती हूँ, जे वे, ये एक्सेप्शन है, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। चू वे, इल एल वे, नू वुलो, वेनेस वेनेस, ये बिल्कुल सेम है शुरुआत उसकी। ओ ई एर को हटा के उसकी जगह पे हमने ओ एन एस कर दिया, लेकिन जो शुरुआत के जे चू इल के साथ वे लगता है वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये वी ओ यू एक्स नहीं आएगा, वी ई यू एक्स ही आएगा। वो वूले, ओ ई एर को हटा के मैंने उसकी जगह पे ए जेड कर दिया। इल एल वर्ल। उसके बाद थ्वाजेम ग्रुप में एक और एग्जांपल, दे एस, दे एस, दे, ओ एन एस, ए जेड, ए एन टे। एग्जांपल लेते हैं वर्ब वेंड्र, वेंड्र मतलब बेचना। Je vends.
मैंने डी भी लिया है, डी एफ जो इसका है इसका एंड हटा के उसकी जगह पे मैंने एस लगा दी. Tu vends, il, elle vend, nous vendons, vous vendez, il, elle vend. तो ये भी थ्रोजेम ग्रुप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. शुरुआत में अगर आपने कभी वर्ब नहीं किए तो हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे. जरूरी ये नहीं है इस सब चीज को रट्टा लगाना है, लेकिन जरूरी है कि इन चीजों को समझना है कि ये चीजें भी होती हैं. अगर आपको पहली बार में नहीं आता रहा कोई बात नहीं, इस वीडियो को दोबारा से देखें, बस देखें और अगर रट्टा लगा सकते हैं लगा लें, लेकिन रट्टा लगाएंगे ज्यादा टिकेगा नहीं, तो समझने की कोशिश करें. और इसकी अगली क्लास में मैं आपको être, avoir और एक और तीसरा वर्ब है aller, उनके बारे में बताऊंगी, ताकि जो मेन वर्ब के बेसिक्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे. फिर उसके बाद हम थोड़े मुश्किल तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं. आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. अपने कमेंट्स यूट्यूब पे जरूर शेयर कीजिएगा. मेरी वीडियो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया.